इवेंट्स हम पे कौन से असर डालने जा रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में रहने वालों पे क्या इवेंट्स हैं? सबसे बड़ी खबर जो है वो तो इंडिया से इतनी खबरें आ रही है, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है, यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरतहाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। ज़ाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमरीका के साथ खड़ा हो गया। लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, प्यूटिन, इन सब ने मिलना है एससीओ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक और भारत की रणनीति की बहुत बड़ी जीत जो है वो हुई है। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर था और उस पर जो इंडिया और चाइना के जो आर्मी है उसके बीच में जिस प्रकार से एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, वहाँ से जो आर्मी के जवान हैं उनको अब पीछे की ओर किया जा रहा है और ये जो है वो भारत के सख्त रूप के अपनाने के बाद ही ये सब सफल हो सका है और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि ये भारत की रणनीति की एक सफल जीत है क्योंकि भारत ने जिस तरीके से एक सख्त रूप अपनाया और साफ तरीके से उसने कह दिया कि अब जो चाइना है उसके जो कुछ भी चाइना कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी के बाद चाइना जो है वो अपनी आर्मी हटाने पर मजबूर हो चुका और इसके बाद से ये माहौल बना दिया गया कि जो इंडिया और चाइना दोनों देश की कंट्री के जो आर्मी हैं वो दोनों वहाँ से हट जाएंगे और अपने अपने बॉर्डर पे चले जाएंगे, यानी कि भारत की मजबूत रणनीति का एक बार और सफलता जो है वो सामने आई है और जो इंडिया में रहकर नरेंद्र मोदी जी पर लगातार टारगेट कर रहे थे कि मोदी जी ने जो चाइना है उसको गिफ्ट में या फिर उस पर कब्जा कर लिया और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उनके लिए एक गाल पे तमाचा से कम नहीं है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। हम पे कौन से असर डालने जा रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में रहने वालों पे क्या इवेंट्स हैं? सबसे बड़ी खबर जो है वो तो इंडिया से दो तीन खबरें आ रही है जिसमें सबसे जो अच्छी और मजबूत खबर है वो ये है कि उनका जो यानी पहली दफा एक तवील अरसे के बाद यानी जुलाई में उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी उनके कोर कमांडर्स की और वो मुलाकात जो है 17 जुलाई की वो नाकाम हो गई थी। अब इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है PP-15, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है, यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरतहाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई सामने, ठीक है, लेकिन ये खबर जो है हम यहाँ पे हिंदू को कोट कर देते हैं, लद्दाख स्टैंड ऑफ जो कि 8वीं न्यूज है हमारी, इंडिया चाइना अनाउंस डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और हिंदुस्तान टाइम्स इसको ब्रेक कर रहा है इन ब्रेक थ्रू जो 6वीं न्यूज है हमारी के इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स किक ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15। ये बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझे ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसएंगेजमेंट हो रही है। क्या होगा? लेकिन ये उस वक्त हो रही है जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के अंदर और जापान में 2+2 हो रहा है और जाहिर है कि चाइना वहां डिस्कस हो रहा है और ये भी वहां बात की जा रही है कि इंडिया और जापान मजीद ड्रिल्स करेंगे आने वाले दिनों में, फौजी ड्रिल्स करेंगे। लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, प्यूटिन, इन सब ने मिलना है एससीओ में,
एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और खासतौर से हमारे इस खत्ते में कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जी देर इज ए डिसइंगेजमेंट हुई है और ये है कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर इशू था बिटवीन चाइना और इंडिया, वहां से जो ट्रूप्स हैं वो जो स्टैंड ऑफ था अब उसमें कोई बेहतरी आ रही है और दोनों ममालिक जो हैं वो 12 सितंबर से विड्रॉ कर रहे हैं, ये जारी बात है, इसको द वर्ल्ड इज वॉचिंग दैट वेरी केयरफुली। और जो इंडिया और जो चीन के जो सोल्जर हैं वो तकरीबन उन्होंने विड्रॉइंग शुरू कर दी है फ्रॉम द गोग्रा हॉट स्प्रिंग जो एरिया है वेस्टर्न हिमालयाज में। और आपको पता 2020 में जून 2020 में क्लैशेज हुए थे, डिप्लोमेटिक टाइज स्वेयर हो गए थे, उसके बाद एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी जनरेट हुआ था इंडिया के अंदर, एक बड़ी कंपेन शुरू हुई अगेंस्ट चाइना, चाइना रिमेन्ड लार्जली साइलेंट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन जो कि उनका तरीकाकार है। एक चीज ये भी देखी जा रही है कि शायद लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनकी मुलाकात जो है वो उज्बेकिस्तान में होने वाली है और ये क्योंकि एक SCO का इजलास है तो वहां पे ये मुलाकात जो है दैट इज एक्सपेक्टेड अगले हफ्ते। अब इसमें ये जो मुलाकात होनी है इसमें क्या निकलता है वो तो बात की बात है, इसमें पाकिस्तान के वजीर आजम साहब जो हैं वो भी जाएंगे, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस चीज का तो पता है कि SCO की इस मीटिंग के अंदर जारी बात है इंडिया के दो बड़े जो नेबर्स हैं पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ उनके मामलात खराब हैं, लेकिन क्या ये इंडिया की विक्ट्री है जो इंडिया जो है सम हाउ ब्रॉड चाइना ऑन दिस पॉइंट दैट दे आर डिसइंगेज जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को, क्या ये इंडिया की विक्ट्री है या कि ये दोनों की विक्ट्री है या कि ये चाइना की विक्ट्री है। लार्जली आपको पता है कि बहुत ज्यादा इनकी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टॉक्स हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला और ये जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं इस हवाले से ये बातें होती रही कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक ये जो इसको कैसे ये फेज्ड विड्रॉल होगी, कोऑर्डिनेटेड होगी, वेरीफाइड तरीके से होगी और जो ट्रूप्स वापस आएंगे, लेकिन इस चीज की कौन गारंटी देता है ये तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन है अरिंदम बागची साहब ये उन्होंने कहा, लेकिन क्या गारंटी है कि ये दोबारा इस तरह नहीं होगा, क्या गारंटी है कि चाइना एग्रेसिव करेगा या इंडिया एग्रेशन करेगा। इंडिया ने भी थोड़ी टफ टोन ली है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अगर आप देखें तो जो इंडिया और चाइना जो अमेरिका है वो चाइनीज बॉर्डर के करीब जो एक्साइजेस भी करने वाले हैं जिसके ऊपर रिसेंटली हमने बात की थी, अभी बड़ा लंबा बॉर्डर है 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है और ये चाइना के लिए इंडिया के लिए कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है। पहले पाकिस्तान जारी बात है इंडिया के मामलात खराब रहे, अभी भी चले बहुत सारी चीजें सेटल्ड हैं, लेकिन इंडिया चाइना के मामला जो हैं वो मजीद खराब होंगे आइंदा। मेरी जाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात, दूसरा इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमरीका के साथ खड़ा हो गया, ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो है वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया क्योंकि सबको पता चला है भाई ये अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है, वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका होगा
जारी बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये एंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीजों में, और अब जो कि क्योंकि यूएनएससी में यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भाई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार ये बातें कर रही है, और कमर चीमा का ये भी कहना है कि ये भारत की रणनीति की जीत है, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि भारत ने जिस तरीके से सख्त रूप अपनाया और कहा कि हम अब डरने वाले नहीं हैं और चाइना जो कुछ भी कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। और कुछ ही दिनों में जो चाइना जो है उसने डिसीजन लिया कि अपने फौजियों को वो पीछे करेगा, क्योंकि चाइना ये भी बात जानता है कि जो भारत है वो एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया का साथ जो है वो आज भारत के सामने है, और पाकिस्तान को जो चाइना है उसको लगातार इकोनॉमिक झटके भी लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अब iPhone 14 जो है उसका मैन्युफैक्चर जो है वो इंडिया में भी होगा, और चाइना ये बात जानता है कि धीरे धीरे जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिससे कि अर्थव्यवस्था लॉस जो है वो चाइना को हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान जो है जो चीन है वो विस्तारवाद नीति अपनाता है, इसलिए उसने भारत के सामने भी ये सब काम किया, लेकिन भारत ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया और वहाँ पर खड़े रहे उससे चाइना को ये बात पता चल जाएगा है कि उसका जो रणनीति है वो कामयाब नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान स्पेशल।